नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों मैं राकेश गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी हम हैं अयोध्या रेलवे स्टेशन पर और समय हो रहा है रात के 9:22 और आज 15 तारीख है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको नाइट व्यू दिखाने वाले हैं अयोध्या शहर के, और अभी हम स्थित हैं अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास। ये देख सकते हैं सामने अयोध्या रेलवे स्टेशन जो नई बिल्डिंग है, ये देख सकते हैं अभी पूरा अंधेरा है क्योंकि अभी ये इसका संचालन नहीं शुरू हुआ है। इसकी हमने डिटेल वीडियो आपको अंदर से दिखाई है, वो आप चैनल पर जाके देखिएगा। और यहाँ पे आप ये पुरानी बिल्डिंग देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसके जस्ट बगल ही है जो पुराना रेलवे स्टेशन है अयोध्या का, यहाँ पे है। ये देखिए ये अयोध्या का पुराना रेलवे स्टेशन और यहाँ पे एक LCD लगी हुई है और यहीं पे ही श्रद्धालु अपना टैक्सी वगैरह लेके अपने घर को या दर्शन करने के लिए अयोध्या से जाते हैं यहाँ। और जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे गुजराती धर्मशाला है, सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये गुजराती धर्मशाला में आप ठहर सकते हैं, बाकी यहाँ पे आप चाय बाटी चोखा का आप यहाँ आनंद ले सकते हैं। कंडी का बाटी चोखा यहाँ ज़्यादा बिकता है। बाटी चोखा का रेट 30 रुपये जोड़ा है, 30 रुपये 20 रुपये, और कंडी का बाटी चोखा रहता है और तला वाला भी मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ का ये दृश्य है। हनुमंत रेस्टोरेंट पे देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स पूरा बना हुआ है। जिनके दुकानें चौड़ीकरण में चली गई है उनको यहाँ पे दिया गया है। ज़्यादातर इस कॉम्प्लेक्स में हनुमानगढ़ी के दुकानदारों को दिया गया है, जिनके गुलैये में दुकान चली गई है उनको यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य देखने में दिख रहा है, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पर पार्किंग है, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए जो है कंप्लीट हो गया है, परियोजना की लागत देख सकते हैं और समाप्त भी हो गया बन के पूरा। बाकी इसमें 4 पहिया 2 पहिया तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र भी है, दुकानें भी हैं कई सारे। बहुत ही जल्दी यहाँ का भी संचालन शुरू होने वाला है। नीचे अंडरग्राउंड में पार्किंग है। देखिए जल भरा हो गया, सीवर का पानी बाहर आ रहा है। सामने आप श्रीराम अस्पताल देख सकते हैं, सरकारी चिकित्सालय श्रीराम। यहाँ से हम दाएं चलेंगे, अभी हम लोग आगे श्रीराम पथ पे दाएं निकल जाएंगे, इधर लता मंगेशकर, इधर निकल जाएंगे अयोध्या कैंट। और यहाँ पे आपको जैसे ही आएंगे आप यहाँ पे देखेंगे को मिलेगा अंधेरा, क्योंकि तो इस पथ का निर्माण कार्य हो रहा है जो कि अभी हम ऐसे पैगाम पथ पे, हो सकता है वीडियो आपको क्लियर ना दिखे क्योंकि तो बहुत ही अंधेरा है और रोड भी बहुत ख़राब है, गिट्टी पूरा निकला हुआ है, थोड़ा तो साइड से निकलना होगा। यहाँ पे पार्किंग है, अस्थायी रूप से अभी पार्किंग बनाया हुआ है। हमारे दाएं साइड में बिरला मंदिर है, बिरला धर्मशाला है, और हमारे बाएं साइड में अगर देखते हैं तो ये है श्री राम जन्मभूमि पथ जो कि अभी निर्माणाधीन है। इसकी वीडियो हमने अपडेट में डाली है परसों ही, तो जाके आप देख सकते हैं। यह श्री राम जन्मभूमि पथ
वीडियो हमने अपलोड की है, आप देख सकते हैं जाके कहाँ तक इस पथ का निर्माण हुआ है वो भी हमने बताया पूरा। और यहाँ पे 32 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य गेट बनाया जाएगा वो भी हमने इस वीडियो में बताया है, और कैसा गेट होगा वो भी देख सकते हैं आप वीडियो में। यहाँ पे देख सकते हैं जल भरा हुआ है, पूरा नाली का पानी पूरा यहाँ फैला हुआ है क्योंकि अभी कार चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं पोल आए हुए हैं कैमरे के लिए, ये पोल है। अभी जो पोल लगेंगे अब वो सिर्फ कैमरे के लिए ही पोल लगेंगे और कोई भी कार के लिए पोल नहीं लगेंगे। आपको बता दें कि ये श्री राम पथ है, यहाँ पे अभी निर्माण कार्य चल रहा है और डक्ट का सीवर ड्रेनेज वाटर ड्रेनेज का काम हो चुका है हनुमानगढ़ी से लेकर लता मंगेशकर चौक तक का। इसके अलावा आपको बता दें इसके बाद जो है रोड निर्माण का काम और फुटपाथ का काम शुरू हो जाएगा। उसके अलावा आपको बता दें यहाँ पे भी कई सारे काम होने हैं, बेंच लगनी है बेंच में और कहीं कहीं चार्जिंग पॉइंट लगनी है और हरियाली के लिए बहुत से जगहों पे पेड़ लगाए जाने हैं। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं ये बिल्डिंग तोड़ी गई है, अभी यहाँ से कुछ मार्ग निकाला जाएगा आने वाले समय में, यहाँ से भी एक मार्ग निकल सकता है हनुमानगढ़ी से सीधा दशरथ महल तक के लिए। यहाँ पे भी देख सकते हैं अंधेरा है, वीडियो कैसा आ रहा है हमें नहीं पता, बाद में पता चलेगा। और यहाँ से दाएं आप निकल जाएंगे हाईवे रामघाट हाईवे, यहाँ से निकल जाएंगे और कारशाला कार से ऊपर हम इधर से ही निकल जाएंगे, इधर से हनुमानगढ़ी निकल जाएंगे, ये सामने राजद्वार मंदिर है। पहले के अपने में काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा, रोड चौड़ीकरण हो गया है और सावन का दूसरा सोमवार आने वाला है, आज तो है शनिवार है, कल संडे है, परसों दूसरा सोमवार लग जाएगा सावन का। और कल तक बोलबम का यहाँ बहुत बड़ा रेला था, आज जल चढ़ाने गए हैं भदेश्वरनाथ जो कि बस्ती में है, यहाँ से जल लेके सरयू जल लेके भदेश्वरनाथ बस्ती चढ़ाने जाते हैं बोलबम वाले। और हम लोग आ गए हैं श्री राम पथ से, ये देख सकते हैं ये भक्ति पथ को ये रास्ता गया है, यहाँ से राम जन्मभूमि कनक भवन दशरथ महल जा सकते हैं। इस पथ का भी हमने वीडियो अपडेट में डाला है, जाके आप देख सकते हैं चैनल पर, यहाँ का भी कहाँ तक निर्माण पहुँचा है वो भी आप देख सकते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं श्रृंगार हाट, यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा कपड़ों की दुकानें, भोजनालय और श्रृंगार की दुकानें, इसलिए इस मार्केट का नाम श्रृंगार हाट है। श्रृंगार के आइटमें यहाँ ज़्यादा मिलती हैं और यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे चंद्रा चित्रा सौरभ ये सब रेस्टोरेंट होटल है यहाँ पे। हमारे दाएं से आइट आप देखेंगे पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोल पंप, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जितने लिया वाला दुकान है ये सब मेले वाले हैं, मेले में आते हैं लगाते हैं फिर चले जाते हैं कमा के। और ज़्यादातर ये सुल्तानपुर के लोग आते हैं मेला करने अयोध्या में, और ये 2 महीने का मेला है सावन मेला, और इस बार 2 महीना पड़ा है इसलिए लंबा मेला पड़ रहा है। और दोस्तों यहाँ से हम बाएं घूमेंगे क्योंकि आगे रास्ता खराब है, ये पहले यहाँ से निकाल लें। यहाँ पे बनेगा स्टॉपेज, बस स्टॉपेज इलेक्ट्रिक बस का, और यहाँ पे भी कुछ निर्माण कार्य हो रहा है जो प्राइवेट है जिनका खुद का है वो काम हो रहा है उनका। और यहाँ से आप निकल जाएंगे सब्जी मंडी, हम लोग आ गए हैं और यहीं से ही आप भीम की घाट निकल सकते हैं।
अयोध्या का सब्जी मंडी, सब्जी मंडी यहाँ से दाएं निकल जाएंगे, यहाँ की सारी सब्जियाँ आप आपको देखने को मिलेगी इस सब्जी मंडी अंदर। एक दिन आपको सब्जी मंडी का टूर कराएंगे, क्या क्या रेट मिल रहे हैं यहाँ पे सब्जियों का रेट, हो सकता है कल ही परसों में आपको सब्जी मंडी यहाँ का आपको टूर पूरा दिखा देंगे। बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है, बहुत बड़ी भी नहीं है, आपको एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। दोस्तों वीडियो करते हैं समाप्त। ये है अयोध्या का नाइट व्यू, अभी कैसा नज़ारा है, कोशिश की हमने पूरी तरह अच्छे से दिखाने की। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अयोध्या की सभी डेवलपमेंट की वीडियो, अयोध्या की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। मैं राकेश गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम जी की।